कुछ नहीं दिया गया। भगवान कहते हैं इतने में तो उसका ये फायदा हो गया, अगर वो हमारे लिए या तुझे कुछ अपनी कुछ में से देता तो और फायदे हो जाते। अगर वो उतर जाता पालकी में से तो तेरे को जब भी मार के मिलता तेरे चरणों में सिर रखता तो कितने महा फायदे हो जाने थे। अगर वो उतर के साष्टांग दंडो डाल के मिलता ना तो और भी कितने फायदे हो जाने थे। वैसे हमारे गुरु गुरु को सामान्य नहीं मानते लेकिन भगवान नहीं मानते, ये जरूर याद रखना। ये तो हमारे भगवान ने दृष्टांत सुनाया है। बातें चल रही थी लोगों की आपस में, अरे भैया दूध बकरी का अच्छा होता है, दूध गाय का अच्छा होता है, वो कहता नहीं ऊंट का अच्छा होता है, मुर्गी का, कोई कहता नहीं भैंस का अच्छा होता है, कोई कहता नहीं वो आजकल जो बने हैं पाउडर के वो अच्छे। एक अंधा बैठा था कहता है अरे ये दूध की बातें चल रही है, दूध कैसा होता है, कहते सफेद, कहते सफेद कैसा होता है, अब उसने कोई सफेद देखा है, कहते कैसा होता है, कहते बगले कैसा है, अब बगला नहीं देखा, वो कहते बगला कैसे होता है, कहते ऐसा, अच्छा ये बगला है। अब वो हल वाले जो किसान होते हैं ना खेतों वाले, उनके घर में वो जब हल चलाते हैं जमीन को उखड़ते हैं तो उसमें वो औजार लगाया जाता है, उसको रूमना कहते हैं, रूमना। वो अंधा था, ऐसे टटोलते टटोलते पहुंच गया उस जहाँ औजार वगैरह कोठे में पड़े होते हैं गोदाम में, वो हाथ लगाया तो वार वार दूर मिल गया। अब वो क्या है, वो लकड़ी का औजार है, आज लोहे के बन गए लकड़ी के औजार, तो वो पीने लग गया, उसकी ये मसूड़े पड़ गए, होठ पड़ गए, दांत में दर्द होने लगे, लेकिन पीता जा रहा है, उसमें से क्या मिल रहा है, कुछ भी नहीं। एक आंखों वाला आ जाएगा तो ये क्या कर रहा है, कहता दूध पी रहा हूँ, अरे भैया ये रुमना है रुमना। कहता नहीं मेरे पिताजी ने उस दिन सपा में बताया था दूध सफेद सफेद बगले जैसा बगला रुमने जैसा, वो ये है इसलिए मैं पी रहा हूँ, अरे भैया छोड़ दे कौन निकल रहा है तेरा। कहता नहीं मेरे पिताजी ने बताया मैंने वो करना है, वैसे नहीं करना हमने कि मेरे फलाने गुरु जी ने बताया ऐसे करना है, नहीं। कुछ बातें ऐसी होती हैं हमें ईश्वर अवतार भी कह दें हमारे गुरु भी कह दें तो हमने नहीं करनी, और कुछ बातें ऐसी हैं जो हमने बुद्धि के विचार से अलट पलट कर ली। हमारे धर्म में पत्ते तोड़ना हमें मना है, लेकिन कुछ में बीमार हो गया अचानक तो रात को महात्मा जी ने दो पत्ते के तुलसी तोड़ तुलसी के दो पत्ते तोड़ के मुझे खिलाया तो मुझे ठीक हो गया। मतलब क्या है कि जो हमने करना है वो नहीं करना है, एक बार जो नहीं करना उसे भी हमें करना पड़ जाता है, इसलिए हमें भगवान ने थोड़ा स्पेयर पार्ट ज्यादा दिया है उसका इस्तेमाल करना है, नहीं तो फिर हम गुरु के चेले होंगे भगवान के नहीं बने। गुरु हो ज्ञानी, गुरु हो हमें धर्म पर दृढ़ करने वाला, लेकिन गुरु की अगर कोई आचार शिक्षा अगर हमें धर्म से गिराने वाली है तो हम उस गुरु की उस बात को नहीं मानेंगे, बाकी जो उन्होंने अच्छा सिखाया उसको हम भूलेंगे। ये भी याद रखें, कोई समझ आई, ये भी हमने याद रखना है। इसका मतलब हम फौरन गुरु पे विपरीत हो जाए उनके सारे उपकारों के ऊपर पानी फेर दे ऐसा भी नहीं करना, फिर तो हम भी अज्ञानी हो गए। इसलिए कुछ ऐसे बातें होती हैं। भगवान ने कहा वो चांदवे में पहले नकली मिट्टी के खिलौने मिलते थे, अमरूद केले आम नारियल ये वो बने होते थे, वो भूखे कोई देवल में क्या चांदवा बंधा हुआ था ऊपर चांदवा बना होता ना कपड़े का उसके ऊपर लटक रहे थे वो पर, उसको भूख लगी थी, उसको लगा सच्ची मुच्ची कहीं आम है खाने लग गया, मुंह में क्या आया गोबर और मिट्टी। वैसे हमने अपने मुंह में गोबर और मिट्टी नहीं भरना, कुछ भी देख कर हम उसको गुरु कह दें, कुछ भी देख कर हम उसको वचनों पर चलने लग गए उनके शब्दों पर, ये मैं कभी नहीं कहूँ, हमारा शास्त्र नहीं कहता, हम रूढ़िवादी हो गए, हम कर्म जड़ हो गए जिसका मुंह भगवान नहीं देखते। जितने आचार शिक्षा हमारे भले के लिए, जैसे अभी पूजा प्रसाद करते हैं वो हाथ में ट्रे ले लेते हैं पूजा की प्रसादों की, वो अगले पहले वाले हमारे से बाईं ओर से आ रही है पूजा, बाईं वाले आदमी के पास अगर पहुंच गया प्रसाद तो पहले ही हाथ जोड़ लो, उसके बाद हाथ में लो प्रसाद, उसको देखो एक मिनट, अगर आपको कुछ ज्ञान है तो
नहीं तो प्यार से धीरे से फूल की तरह माथा झुकाओ, उसको जगह पर नमस्कार करो, आगे फिर दोबारा हाथ धो। वरना अंगूठों को कुछ लोग कहते थे भाई हम हाथ जोड़ नहीं सकते, हाथ में प्रसाद आ गया इसलिए पहले अंगूठों को करते हैं, ये कर्मजड़ की बात है। मैं पकड़ो, लेने से पहले हाथ जोड़ दो, देने के बाद हाथ जोड़ दो। क्या भगवान सर्वज्ञ नहीं है? वो तुम्हारे अंगूठे पर लगाने से ही आपको नमस्कार करने की योग्यता होगी, नहीं होगी? वो देखो देखी रिवाज बन, आप लोगों को अभी पूजा प्रसादों का सारा ज्ञान नहीं है। एक विशेष अगर दोनों तरफ से एक जैसा है तो हमने एक ही जगह पर तीन बार नमस्कार मत कर देखना है, आगे दे देना है अगर लीला पता है तो, नहीं तो स्वामी के पवित्र सेवा संबंध को मेरे दंडवत महाराज आपने कहा है उल्टे गोटे नमस्कार करो, मेरी नमस्कार स्वीकार, आगे दे। अगर दोनों तरफ अलग रह गया तो कोई बात नहीं, हमने दूसरी तरफ से कर लिया। मूर्ति एक ही पाषाण की बनी होती है, एक ही तरफ से करनी है। अगर दूसरी तरफ है, दूसरी कोई चीज है देख लो तो आप नमस्कार करो, नहीं एक ही तरफ करना। माला दे रहे हैं और माला में उसमें खेल रही है, फिर रही है उंगलियों में, लेकिन माला फेरते वक्त हमारे मुंह से नाम आ रहे हैं या नहीं? और कुछ छोड़ दो, मूर्ति है, लीला है, चेष्टा है, या बड़ा कुछ है भगवान के छह जगह है याद करने की कि नाम स्मरण करते वक्त हमने क्या क्या करना है, या दुख करना है, या परमेश्वर को अप्राप्ति मन में लानी है, भावना लानी है कि भगवान मुझे कब मिलेंगे, वो छोड़ दो सब, पर नाम तो हो, क्योंकि नाम स्मरण भी एक भगवान का स्मरण है, क्योंकि उसने नाम स्वीकार किया है। वो नाम गुरु के बिना आप कैसे ले लोगे? अभी कुछ ग्रस्त लोगों में गलत फहमियां फैलाई जा रही हैं। साधु लोगों के पास मत जाओ, गुरु मंत्र मत लो, तीर्थों पे मत जाओ, दान धर्म मत करो, संन्यास मत लो, पूजा प्रसाद मत करो, तो फिर क्या करो? नाचते रहे, पिक्चरें देखें, क्या करें, खाएं पिए, पार्टियां लें? अरे गुरु के बिना आपको इस दुनिया से तारने वाला कोई भी नहीं है। आपको गुरु की शरण जाना ही पड़ेगा, गुरु से ज्ञान हासिल करना ही पड़ेगा। अगर आप इंसान हो तो खुद को इंसानियत में जीने के लिए जो ताकत चाहिए ना, वो गुरु से ही वो ऊर्जा मिलती है, और कहीं से नहीं मिलती। किताबें कितनी भी पढ़ो नहीं मिलती। उसकी प्रसन्नता, उसकी प्रसन्नता, वो प्रसन्नता उसकी दृष्टि में है, उसके शब्दों में है, उसके स्पर्श में है, उसके ज्ञान में है। वो प्रसन्नता के बिना आपका धर्म बढ़ ही नहीं सकता। हाँ, अगर गुरु नाराज भी है खाली बार किसी गलत फहमी से, या गुरु हमारे कैवल्य वासी हो चुके हैं, मतलब जा चुके हैं, तो भी अगर हम उनके उपकारों को याद करके उनके नियमों पर अगर चल रहे हैं तो ईश्वर की कृपा और गुरु की प्रसन्नता हमारी जैसी हमारी चलते वक्त वो क्या कहते हैं परछाई पड़ती है ना, सूर्य की तरफ मुंह करें तो पीछे जाएगी और पश्चिम की तरफ मुंह करेंगे तो आगे आएगी। परछाई हमारे साथ साथ चलती है ना, वैसे प्रसन्नता गुरु के साथ होती है। वो हृदय वही जानता है जिसने गुरु की प्रसन्नता जोड़ी होगी। उसका धर्म बढ़ रहा है, उसका स्मरण सेवा से ज्ञान बढ़ रहा है, लेकिन उसको संभालना और उसको दोबारा अपनी जिंदगी तक ले जाना, ईश्वर प्राप्ति तक उसको अपनाए रखना, ये गुरु को बार बार मिलने से ये ताकत आती है। हमने गुरु नाम लिया था किसी आंगन में, किसी गांव को कोई कीर्तन कराए हुए थे, कोई बता रहे थे कि कोई अमीर घर में गए तो वो बोले वो चाय लाए तो काली सी चाय लाए, कोरी सी पानी मतलब दूध नहीं रहा, तो बोले दूध वाले और तुम्हारे घर में ऐसी चाय मिल रही है? कहते दूध सारा डेयरी मिल रहा है। तो कैसे इसमें क्या जाता है, इसको डेयरी कहते हैं मराठी में, डेयरी में क्या जाता है? कहते ऐसे ही मिलता है। कहते अच्छा तुमने नाम लिया है? कहते हाँ। अब नाम उसको आते नहीं थे, नाम आते नहीं, घर का बड़ा आदमी था वो, सबसे बड़ा मेंबर था, 5-25 जने थे फैमिली के। उन्होंने बोला नाम किसे, वो किसे लिया था वो गुरु का नाम नहीं पता, और बोले मंत्र सुना दो, वो मेरे गुरु जी ने कहा था मंत्र सुनाने नहीं किसी को। ये हाल है, इसका मतलब हमने गुरु को अभी स्वीकार नहीं किया, हमने अभी गुरु मंत्र नहीं लिया, हमने अभी गुरु का आज्ञा पालन रूप धर्म नहीं अपनाया, इसलिए बार बार गुरुजनों से मिलने के लिए और अपने मन को उजला करने के लिए, ज्ञान को उजला करने के लिए ये दिन परसों का था। अब भीड़ होती है, बहुत जने आते हैं,
गुरु को बीड़ा देने और तक वो क्या कहते हैं प्रसाद देने लेने में ही टाइम बीत गया। मैं देख रही थी यहाँ, इसका मतलब ये कहने कि बाबा जी ने तो सिर्फ बीड़ा ले लिया जी और हमें तो कुछ भी सुनाया, आपने किसी ने पूछा भी नहीं तो क्यों सुनाएंगे, बिना पैसे तो माँ भी नहीं दूध पिलाती तो कुआं भी नहीं देता पानी। इसलिए वो ये माध्यम से मंदिर से अनेक जनों को बुलाते हैं, आते हैं, जाते हैं, किताबें छपाते हैं, भजनों में उनका ज्ञान है, भजन में जो ज्ञान है उसको भी अगर ये एकांत में बैठ कर जब अगर सुनते हो, कोई ऐसा व्यक्ति नहीं है अगर वो वास्तविक में धर्म के लिए आया है तो रोए बिना नहीं जाएगा, उसके रोंगटे खड़े हो जाएंगे, उसके अंदर वो सत्व आ जाएगा, वो शब्द जो है उनमें सामर्थ्य है। इसलिए ये नहीं कहना कि बाबा जी तो हमारे को तीन पढ़ाते ज्ञान ही सुनाते और गुरु दक्षिणा हो गई और गुरु पूजा हो गई तो कुछ नहीं हुआ, कुछ नहीं मिला, मिलने वाली बहुत सी चीजें हैं। इतनी बड़ी शांति बनाए रखकर रखना आसान काम नहीं है, एक बच्चा नहीं पाल सकते तुम लोग, मैं देखती हूँ वो बाहर बैठी थी अभी, घर के 6 मेंबर आए हुए, एक बच्चा नहीं संभाल सके। क्या है गुरु के उनका आदर्श है, हमने उनके गुणों को देखना है, सर्वगुण संपन्न परमेश्वर अवतार है लेकिन जीव है, जीव के अंदर गुण दोष दोनों चीजें होती हैं, लेकिन हमने जब गेहूं खाते हैं ना तो सुनते वक्त गेहूं नहीं बाहर फेंकते, क्या फेंकते हो कंकर, उसमें जो मिट्टी निकलती है या कचरा निकलता है वही बाहर फेंका जाता है। वैसे हमने 2 आंखें दी हैं भगवान ने, 2 कान दिए लेकिन मुंह एक, दिमाग एक, हमने क्या बोलना है, क्या सीखना है, क्या याद रखना है। इसलिए वो दिन परसों गुरु जी की याद का, गुरु जी के उपकारों को मिलने का, आचरण करने का, दोबारा उजला करने का, कुछ सीखने का, अपने दोषों को झड़ने का या उनके सहवास से कुछ ना कुछ आगे अग्रसर होने का जो समय था कल, इसका मतलब एक ही दिन है फिर नहीं, एक ही दिन नहीं है, जब जब मिलेंगे तब तब। एक भगत बच्चा भगवान का बहुत प्यारा हो जाता है, चाहे वो साल में आता है, क्योंकि एक दिन जब आता है ना उसका आना लोगों जैसा नहीं है। एक बच्चा रोज आता है लेकिन कुछ अविधियां कर जाता है, गलतियां कर जाता है तो वो उतनी प्रसन्नता का पात्र नहीं है। एक गरीब होता है लेकिन प्यार और श्रद्धा, सेवा, नम्रता वो उसके अंदर होती है, वो जीत जाता है। और एक पैसे वाला अभिमानी अहंकारी सेठ साहूकार बन के अगर पास में बैठा दिया गुरु के टन के चौकड़ी लगा के, वो प्रसन्नता का पात्र होगा ही, ऐसा मत समझना, वो गुरु जाने या वो जाने कि मेरे अंदर क्या है, मेरे ऊपर गुरु की प्रसन्नता है या नहीं, ईश्वर की कृपा है या नहीं। इसलिए हम लोग क्या सोचते हैं, मेरे पास 1-2 किलो सोना है, 2-4 माड़ियाँ हैं, 2-4 गाड़ियाँ हैं, बच्चे हैं, बहू है, सौभाग्य है, सब कुछ है, शांति है घर में, लेकिन कोई बिजनेस बंद करके तो नहीं बैठे ना, रोज हाय 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 सुबह उठते हैं ही फिर भी, तो इसका मतलब उसके ऊपर परमेश्वर की कृपा है। अभी मैंने बताया कि दुनिया में जो कुछ भी आप करते हो अन्नदान से करते हो, उसने कहीं अच्छा दान धर्म किया हुआ है, अच्छे खुले दिल से किया हुआ है, वो अमीर घर में पैदा हुआ है, सुख भोग रहा है, भोगने के बाद क्या है, उसको हमने यहाँ बनाना है, वो किससे बनाना है, गुरु जी के माध्यम से। ये पीछे अच्छा जोड़ा हुआ है, उसका वो बदला हमें यहाँ मिल रहा है। ये मत समझो कि हमने नाम लिया तो हमारी लॉटरी निकल गई, हमारे नाम से गाड़ी मिल गई, हमारे नाम से बच्चा पैदा, श्रद्धा है ये हमारे कर्म, गृहस्थ आश्रम के जो कर्म माला है ना, इसका जो भी हमारा लेना देना सुख दुख जो है ना, ये सब पिछले कर्मों के अनुसार है, लेकिन आगे के लिए जब हमने गुरु ग्रहण किया है तो उस गुरु के पास रहने से, सीखने से, पढ़ने से आगे के लिए रस